हेलो बेटा साहिर। आंटी मैं फ्रे की तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ। हर कांटेक्ट के जरिए उसने ख़त्म कर दिया है। आपकी तो बात होती होगी, आप बताएं मुझे कैसी है वो। वो ठीक है बेटा, बहुत खुश है वहाँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी मुझे बहुत फिक्र थी उसकी, पता नहीं अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे मेरे जहन में। अगर आपकी बात हो तो उसे ज़रूर बताइएगा कि किसी चीज़ की वो फिक्र ना करें। मेरा कोर्स कंप्लीट होते ही मैं वापस आ जाऊँगा और फिर हम उसे ले आएंगे वहाँ से वापस। बेटा तुम जल्दी आ जाओ, मैं अपनी बेटी को देखने के लिए तरस गई। सब ठीक हो जाएगा आंटी, सब दुआ कीजिए हम इफ्रा को जरूर वापस लाएंगे। जीते रहो बेटा, खुश रहो, खुदा हाफिज। कमाल है भाई, यानी इतनी खवातीन हैं इस घर में लेकिन मजाल है कोई काम वक्त पर और सलीके से हो जाए। ये लीजिए अब्बा, सफर तो इतना नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करें कि बाजारी खाने से परहेज हो। बाकी दोनों कहाँ हैं? बाप सफर पे जा रहा है, इतनी तौफीक नहीं कि आके खुदा हाफिज कह दे। आ जाओ, मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ऐसा ना हो कि मैं जाऊं और तुम लोग इधर उधर मारी मारी फिरने निकल जाओ। मुझे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, सबने घर पे ही रहना है। सुन रही हो इशरत जहां, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। जी जी, आप फिक्र ना करें, मैं पूरा ध्यान रखूंगी, आप बस खैर से जाएं। हाँ, तुम तो चाहती हो कि मैं जल्दी से दफा हूं और तुम सबको अपनी मनमानियां करने का मौका मिल जाए, सब जानता हूं मैं। अरे तमीजुद्दीन, देर हो रही है यार, बस निकल जाएगी भाई। अरे आ रहा हूँ बशारत भाई, आ रहा हूँ। तुम्हारी शादी अगर करीब ना होती तो मैं तुम्हारी माँ से भी मिलता और उस शख्स से भी मिलता जो उसका शौहर है, और हिसाब मांगता उनसे उनकी बदनीयती का। लेकिन चलो खैर, शादी से फारिग हो जाऊं फिर सही। अब लेकिन अब्बा, वो तो नाना की प्रॉपर्टी थी और अम्मी का पूरा पूरा हक है उस पर, बाबा ने इतनी परवरिश भी तो की है मेरी। फिर बकवास बंद करो, ओ ना उस अजरा की ही बेटी, उसकी हिमायत तो करोगी। खुदा हाफिज। जी अल्लाह हाफिज।